हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गोल्ड ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज की हम देखने वाले हैं जो लोग बिगिनर्स हैं एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी वॉच लिस्ट में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में। जैसे हम निफ्टी बैंक को ऐड करना चाहते हैं, या हम उसके मंथली कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करना चाहते हैं, कॉल ऑप्शन को ऐड करना चाहते हैं, वीकली वाले को वीकली के पुट ऑप्शन को ऐड करना चाहते हैं, कौन सा स्ट्राइक पास कब ऐड करना है, कहाँ कैसे ऐड करना है, सब कुछ हम पूरी डिटेल में देखने वाले। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने अपना काइट वाला ऐप ओपन किया हुआ है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि हम वॉच लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें हटा लेते हैं ताकि हम एक एक करके ऐड कैसे करना है, किसे कब ऐड करना है, वो देखते हैं। तो हटाने के लिए हमें लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये डिलीट वाले जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसे हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ये अभी हमारी वॉच लिस्ट है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद हम निफ्टी की भी बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में अभी बैंक निफ्टी का क्या स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो उसके लिए हमें निफ्टी बैंक को ऐड करना होगा। निफ्टी बैंक, जैसे ही आप यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा निफ्टी बैंक, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस वाला निशान है यहाँ आपको ऐड टिक कर लेना है। जैसे ही आप टिक कर लेंगे तो ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे निफ्टी बैंक का ये इंडाइसिस हमारा ऐड हो चुका है वॉच लिस्ट में, जो अभी इसका प्राइस चल रहा है। अभी जैसे लाइव मार्केट नहीं है तो अभी इसका प्राइस रुका हुआ है 35,481, ठीक है। 35,481 अभी इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो जो भी इसमें स्ट्राइक प्राइस होती हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, वो 100 के गैप में होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका ATM निकालते हैं, जो सबसे इसके पास की स्ट्राइक प्राइस होगी। जैसे 35,481 है तो सबसे पास का जो इसका लेवल होगा 35,500 का होगा, ठीक है दोस्तों। 35,500 सबसे पास की स्ट्राइक प्राइस है। तो हम 35,500 अगर हम इसका कॉल ऑप्शन ऐड करना है तो हम 35,500 का ऐड करते हैं। 35,500 का अगर ऐड करना है, 35,500 हमें ऐसे लिखना है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे, यहाँ आया जनवरी 35,500 C, जनवरी 35,500 P। बेसिकली ये क्या है, हमारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। मंथली में ये खाली जनवरी फरवरी मार्च ऐसे लिख के आएगा, और जिस स्ट्राइक प्राइस का आप ऐड करना चाहते हैं वो आपका यहाँ आगे लिख के आएगा। अगर आपको कॉल ऑप्शन ऐड करना है तो यहाँ आपको सी लिख के आएगा, कॉल ऑप्शन को हम सी बोलते हैं। और अगर आपको पुट ऑप्शन ऐड करना है तो पी लिख के आएगा, ठीक है। जैसे हम इनसे दोनों ही ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्लस वाले निशान पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने सी पे क्लिक कर लिया, देन पी पे क्लिक कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो हमारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों ही ऐड हो जाएंगे। एंड हम अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ फरवरी भी आपको दिखेगा, फेब का भी, 35,500 का ही सेम स्ट्राइक प्राइस का। तो क्या होता है, जो इसके मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारे 3 महीने के आगे के दिखाते हैं। जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है तो हमें दिखाई देंगे जनवरी फरवरी मार्च के। तो अगर आपको फरवरी का भी ऐड करना है तो आप यहाँ से फरवरी का भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मार्च ऐड करना है तो आप नीचे या तो स्क्रॉल कर लीजिए, अगर आप मार्च का सर्च भी करेंगे तो सीधा सीधा मार्च का आ भी जाता है। जैसे ये मार्च का आप यहाँ देख सकते हैं, मार्च का भी है मंथली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने मार्च का मंथली पी ऐड कर लिया यहाँ, और यहाँ मैं कॉल ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ फरवरी का, और जनवरी फरवरी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। तो मैं बैक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले हमने निफ्टी बैंक को ऐड किया था इंडाइसिस जो है, उसके बाद हमने जनवरी मंथ का कॉल ऑप्शन ऐड किया है 35,500 का, उसके बाद 35,500 का पी ऐड किया है पुट ऑप्शन। देन अभी आप देखेंगे मार्च में ये 0-0 प्राइस दिखा रहा है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है आगे वाले मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो कभी कभी 0 दिखाता है, ठीक है। और ये हमने 35,500 का सी भी फरवरी का हमारा यहाँ शो हो रहा है, जिसका प्राइस ये है 1,433 रुपये, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं अगर आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है। बट अगर आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करनी है तो वीकली कैसे ऐड करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम इसे हटा लेते हैं, तो मैं यहाँ से मंथली वाले हटा देता हूँ, लॉन्ग प्रेस करके डिलीट डिलीट डिलीट। तो यहाँ से मैंने मंथली कॉन्ट्रैक्ट हटा दिए हैं। अब हम ऐड करते हैं, जैसे अभी तो हमने 35,500 का ऐड किया, हम चाहते हैं कि हम दूर की स्ट्राइक प्राइस को ऐड करें मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। तो हम जैसे चाहते हैं कि 36,000 का हम ऐड करना चाहते हैं, 36,000 का वीकली ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ सर्च बार में जाएंगे और सीधा सीधा हमें 36,000 लिख देना है। तो यहाँ के यहाँ आपके पास ऑप्शन आने लगेंगे। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले आपको मंथली दिखाई देगा, उसके बाद आपके वीकली स्टार्ट हो जाते हैं। वीकली में जो सबसे पास की एक्सपायरी है वो 6 जनवरी की है, 6 जनवरी की है। जैसे कि आज है डेट हमारी 2 जनवरी है, तो मैं आज 2 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ। तो जो हमारी थर्सडे में जो एक्सपायरी आती है, हमेशा वीकली जो एक्सपायरी होती है हमारी थर्सडे में होती है। तो हमारे सबसे पास का जो स्ट्राइक प्राइस हमने लिया है 36,000 का, और सबसे पास की जो एक्सपायरी है वो 6 जनवरी की। अगर हम 6 जनवरी का वीकली ऑप्शन ऐड करना है तो हमें यहाँ से ऐड कर लेना है 36,000 का सी और पी। तो जैसे मैं ऐड करता हूँ 36,000 का, मैंने ऐड कर लिया सी कॉल ऑप्शन को। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ऐड करूँ, तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपका नेक्स्ट एक्सपायरी 13 तारीख की है, यहाँ देख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप 36,000 सी ऐड करना चाहते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो मैंने यहाँ कॉल ऑप्शन यहाँ ऐड कर दिया। अगर आपको पुट ऑप्शन भी ऐड करना है तो ऐसे ही आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप उसे नेक्स्ट एक्सपायरी में भी जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ 20 तारीख का भी यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड कर लेंगे। मैं बैक जाता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ 2 कॉल ऑप्शन ऐड हो रखे हैं। ये हमारा 6 जनवरी की एक्सपायरी का है कॉन्ट्रैक्ट, 36,000 सी कॉल ऑप्शन 171 रुपये पर। और हमारा जो नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाएंगे तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, तो ये हमारा कॉल ऑप्शन ही है। अगर आपको पुट ऑप्शन भी ऐड करना है तो आप सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन भी सेम इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों ऐड करना, और बाय और सेल तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे करना है। तो एक बार हम चलते हैं, अगर आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर ऐड करना है, फ्यूचर फ्यूचर भी होता है, तो फ्यूचर हम कैसे ऐड करना है, तो यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ हम निफ्टी बैंक लिखेंगे। निफ्टी ही जैसे मैंने लिखा है, तो यहाँ हम देखेंगे
ये तो निफ्टी का आ रहा है, निफ्टी बैंक का हम बैंक लिख लेते हैं। दोस्तों हमने बैंक निफ्टी लिख लिया है, तो आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ आपको यहाँ दिखाई देगा बैंक निफ्टी जनवरी फुट FUT 50। तो ये फ्यूचर है हमारा, और ये फरवरी का फ्यूचर है, ये मार्च का फ्यूचर। जैसे कि मैंने बताया कि 3 मंथ का आपको दिखता है, तो जैसे हमें जनवरी का फ्यूचर ऐड करना है तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे हमारा फ्यूचर भी ऐड हो चुका है। ये सेम जो हमारा निफ्टी बैंक का इंडेक्सेस है उससे उसी के आसपास होता है, बस इसके प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होता है। जिस दिन एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी, उस दिन जनवरी का फ्यूचर सेम इस प्राइस पे आ जाएगा, दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा। अभी थोड़ा इनमें डिफरेंस है, कभी ये प्लस में होता है कभी माइनस में होता है, ठीक है। तो हमारा फ्यूचर ऐड हो चुका है। अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि जो भी डिफरेंसेस होते हैं स्ट्राइक प्राइस में, वो 100 के डिफरेंस में होते हैं, जैसे 35,000, उसके बाद 35,100, 35,200, इस तरीके से। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो हम निफ्टी 50 में चलते हैं। यहाँ मैंने निफ्टी 50 की अलग से वॉच लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ ऊपर देखेंगे आप। यहाँ अगर आपको वॉच लिस्ट का नाम एडिट करना है, तो आप यहाँ लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से वॉच लिस्ट का नाम एडिट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो हम निफ्टी 50 में जाते हैं, निफ्टी 50 में देखेंगे आप, मैंने पहले से इंडाइसिस ऐड किया हुआ है निफ्टी 50 का, इसका भी स्पॉट चल रहा है 17,354, ठीक है। बट मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जो इसमें स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो 50 के डिफरेंस में होता है 50 के डिफरेंस में। जैसे कि अभी स्पॉट चल रहा है 17,354, तो मैं इसे राउंड फिगर में लेता हूँ, जो सबसे पास का स्ट्राइक प्राइस होगा 17,350 होगा, जो इसका नेक्स्ट लेवल आएगा स्ट्राइक प्राइस का 17,400 का होगा, उसके बाद आएगा 17,450। तो इस तरीके से ये 50 के डिफरेंस में ऊपर या नीचे होता है निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में 100 के डिफरेंस में होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ सबसे पहले फ्यूचर ऐड करते हैं निफ्टी का, तो हम निफ्टी ऐसे लिखेंगे निफ्टी, और यहाँ देखेंगे सीधे ही आपका निफ्टी जनवरी फुट लिख के आ गया है फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर को ऐड करना, तो यहाँ आप फुट भी लिख सकते हैं, तो सीधे ही ये ऊपर आ जाएगा सबसे टॉप पर, निफ्टी जनवरी फुट, निफ्टी फरवरी फुट। तो हम इसे दोनों ही ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको, जनवरी का और फरवरी का, ये दोनों ही हमारे जनवरी फरवरी के फ्यूचर यहाँ ऐड हो जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे ये हमारा जनवरी का फ्यूचर है 17,420, और यहाँ फरवरी का है 17,470। ये क्योंकि दूर के स्ट्राइक प्राइस है, तो दूर का फ्यूचर है, तो इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। अब हमें अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट ऐड करने हैं, हम चाहते हैं जैसे स्ट्राइक प्राइस स्पॉट हमारा 17,350 का है, तो हम अगर चाहें कि 17,200 का हमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, तो हमें क्या करना है, सर्च बार में वहीं जाना है, निफ्टी लिखना है यहाँ पे, उसके बाद हमें लिखना है जिस स्ट्राइक प्राइस का आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे 17,200 का आपको ऐड करना है, तो सबसे टॉप पर जो आपके पास आ जाएगा वो आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अगर आपको नेक्स्ट मंथ का भी देखना है, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फैब का भी यहाँ शो हो रहा है, बट जैसे आपको नेक्स्ट फरवरी का ही करना है, तो आप यहाँ निफ्टी फैब लिख सकते हैं, तो फैब सबसे टॉप पर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ आ चुका है, ये आ गया आपको पर्टिकुलर जिसका भी सर्च करना है, बट आपको यहाँ स्ट्राइक प्राइस ऊपर लिखेंगे तो सब कुछ यहाँ आपका नीचे शो हो जाता है। तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं ये दोनों, ये हमने दोनों मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ऐड कर लिए हैं। तो ये हमारे, हम बैक करें तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे दोनों यहाँ ऐड हो चुके हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट, 17,200 का सी और 17,200 का पी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट को ऐड कर सकते हैं, ये मेरे ऐड हो चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसके वीकली को ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ उन्हें, ये मैं फ्यूचर को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और ये मैंने कर दिया फ्यूचर एक डिलीट और एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा हो चुका है, हम वीकली को ऐड करना है, तो मैं चाहता हूँ 17,300 का मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ सर्च बार में जाता हूँ 17,300, ये मैं 17,300 की। अब आप देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 6 जनवरी की है, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पुट ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पुट ऑप्शन यहाँ ऐड कर दिया है। अब यहाँ हम इस तरीके से नेक्स्ट एक्सपायरी का भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 13 जनवरी का है, ये हमारा 20 जनवरी का, जैसे मैं 20 जनवरी का पुट ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ, ये मैं 2 ऐड कर लिए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 2 पुट ऑप्शन मैंने ऐड किए हैं, एक हमने 6 जनवरी वाला किया है, एक हमने 20 जनवरी वाला, तो दोनों को ही प्राइस में डिफरेंस होता है, ठीक है दोस्तों। और ये इस तरीके से तो हम अपनी वॉच लिस्ट में अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, मंथली, वीकली एंड फ्यूचर को एंड इंडाइसिस को। और अगर आपको इंडिया विक्स भी साथ में ऐड रखना है, तो आप यहाँ से विक्स को भी ऐड कर सकते हैं, बस आपको सर्च करना है इंडिया विक्स, मैं एक बार दिखा देता हूँ, इंडिया विक्स करना है आपको, तो ये सबसे आ जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका इंडिया विक्स शो हो रहा है, ये मेरा ऐड है क्योंकि ग्रीन मैंने यहाँ टिक किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इंडिया विक्स को भी ऐड कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि निफ्टी 50 में जो लॉट साइज होता है, जो लोग बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, निफ्टी 50 का अभी जो लॉट साइज चल रहा है वो 50 का हो गया है, पहले 75 का था, नाउ अब करंटली 50 का है। अगर आप एक लॉट बाय करेंगे तो आपको 50 क्वांटिटी बाय करनी होगी। ऐसे ही अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में जो पहले भी वन लॉट जो था 25 का था 2021 में, और 2022 में भी 25 का वन लॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपनी वॉचलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो बहुत सिंपल है ऐड करना, तो इस तरीके से आप सिंपली ऐड कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आज के लिए धन्यवाद।